किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवा रहा हूँ जिनको देसी दवाइयों का ज्ञान है और कई बीमारी जैसे शुगर है जिसका इलाज नहीं है, सिर्फ वो थोड़ी दब जाती है, ख़त्म नहीं होती। इसलिए बातों बातों में जिक्र आ गया, हमारे शोभेंद्र जी हैं, इन्होंने बताया कि शुगर का इलाज मेरे पास है। तो भाइयों, ये तो अजमा के पता लगेगा, देखो इन्होंने बढ़ता है तभी तो ये बता रहे हैं, लेकिन मैं इनके ज़ुबानी ये वीडियो में बता रहा हूँ, मीडियो के माध्यम से। हो सकता है भाई मेरे भाइयों को कोई भला हो जाए। तो शोभेंद्र जी, आप ये बताओ ये कैसे असर करती है, क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ। मेरी 53 साल की उम्र है जी। मैंने चेकअप करवाया अपने शरीर का। अच्छा। मेरे कोई बीमारी नहीं है। नहीं नहीं 33 साल हो गए मुझे शराब पीते हुए। अच्छा, पीते हो? हाँ जी, शराब पीता हूँ जी मैं। 33 साल हो गए। पूरे टुल्ली हो जाओ या थोड़ी बहुत? कभी कभी टुल्ली हो जाए जब टीम ज़्यादा बैठ जाए। अच्छा। लेकिन ना तो मेरे शुगर, ना मेरी किडनी ख़राब, ना मेरे टीबी, ना मेरे सांस की बीमारी, कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा, भगवान का वास है। बस मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ जी। एक पेड़ है सदाबहार। सदाबहार? हाँ जी। उस पर फूल आते हैं जी। जी। गुलाबी से भी आते हैं, वाइट कलर के भी आते हैं। अच्छा। कई तरह के हैं जी सदाबहार। मैं तो इतना बता रहा कि उसका एक पत्ता अच्छा तोड़ो, साफ करो और खा लो। अच्छा। खाना खाने के बाद कर लो, नाश्ता कर लो, खाना खाने कुछ भी खा पी के कर लो, या खाली पेट 24 घंटे में 24 घंटे में पत्ता खा लो। दो भी नहीं खा सकते? मैं दो खा लो, ये कड़वा है ज़्यादा। अच्छा, मुठ्ठा भर के भी नहीं खा सकते? मुठ्ठा भर के क्यों खाओ? मुठ्ठा भर के क्यों खाओ? एक दिन में आप भर जाओगे। अच्छा, नुकसान भी देगा? ज़्यादा नुकसान? मतलब दो पत्ते खाओ बस। दो पत्ते बहुत है? दो पत्ते उन्हें धो के साफ करके होगा आपके, मैं गारंटी दें, कैंसर नहीं होगा आपके। अच्छा जी। कैंसर नहीं होगा आपके सदाबहार के पत्ते खाने से। तो ये तो कहीं नर्सरी में मिल भी सकता है अपने खेत में? हाँ जी, खेत में वो तो जगह जगह लग रहे हैं जी, उन्होंने भी लगवा रखे फैक्ट्री ने वहाँ पर अपने 12 पे। अच्छा। जो इन्होंने ठेके पे जमीन ले रखी सुदेश भाई की। अच्छा। पावर से मैं दुराले में भी है जी। इस्तेमाल लगे हुए हैं? हाँ जी, दुराले फैक्ट्री। उन्होंने भी इसीलिए लगवाए हैं या वैसे वैसे ही? उन्होंने शो के लिए लगवा रखे हैं, लोगों को पता नहीं इसके बारे में। हाँ जी, इसका तजर्बा आया। तो ये आप बता रहे हैं आपके खेत में किस जगह है? मेरे तो देवता बने हुए हैं जी, मैंने पहली वीडियो में आपने जब एक खोदा, मैं उधर जाऊंगा तो वहाँ कौन सारे पेड़ वही हैं सदाबहार के? एक पेड़ लगा हुआ है, दो पीछे लगा हुआ है, गौशाला से हो रहा है जहाँ मेरे देवता है। हाँ, तो वहाँ कौन सा पेड़ है मुझे बताओ? थोड़ा फूल वाला है जी। फूल आ रहा? हाँ, जब ऐसे जाओगे ना राइट। तो जैसे मैं जाऊँगा आपके देवता के पास में, वहाँ पहचान कैसे करूँगा उस पेड़ की? फूल सबसे ज़्यादा फूल उसी पे आ रहे हैं जी। अच्छा, फूल की पहचान है? हाँ जी। तो भाइयों, मैं उसकी वीडियो लेके वहाँ से इसी वीडियो के साथ जोड़ूंगा, आप पहचान लेना। आप फिर उस पेड़ को कहीं से भी सदाबहार के फूल को, मतलब पेड़ को लेके अपने गमले में लगा लें। भाइयों, शुगर की समस्या सबको ही है, मुझे थोड़ी सी होगी थी, एक पत्ता खाओ, मैंने कुछ नहीं, दवाइयाँ खाई, दिमाग से होता है जी सारा काम। अच्छा अच्छा दिमाग से। एक बात सुनो, इतनी गर्मी पड़ रही, जब दिमाग में ये रहेगा अरे बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही, एक मिनट हटा दो, इसको हटा दो दिमाग से कि गर्मी पड़ रही, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। नहीं तो हमने जमाया, मतलब आपको पसीना आ रहा, नहाने को जिगर, नहाओ मत ना, वही दुपड़िए में कुर्ता काट कर डेंट बैठे मारो लोगों को, पहन के पसीना और देख लूँ जा, फिर ये हवा भी ठंडी लगने लगे। इतनी सर्दी गर्मी में मैं गंजा हूँ जी। हाँ जी, जा निकल रहा, लेकिन दिमाग से सोच रहे जी, दिमाग से ऐसा लग रहा है जैसे एसी में बैठे, ऐसा जी ये सोचते रहो कि हमारा कुछ घर में नहीं खास। तो भाइयों, ये सदाबहार वाली जो बात है बहुत अच्छी है, दमदार है, खा के देख लो, मतलब कितने दिन पता लग जाएगा? अजी, आप 5-7-10 दिन खा के तो देखो, आपको खुद ही पता चलेगा कि मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, लाइक करना। अच्छा, कुछ लोग कहें जामुन के पत्ते भी खाओ। हाँ, जामुन के पत्ते भी अच्छे हैं, दो पत्ते रोज चावले। हाँ जी, लेकिन ये सदाबहार का जो पेड़ा है, पौधा है, फूल का है, ये बहुत अच्छा शुगर के कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है। अजमाया हुआ? अजमा हुआ है, मैंने तो अजमा रखा है जी। तो कोई 2-4 शुगर के मरीज ठीक हुए इससे? हाँ, तुम उन्होंने कोई बता रखा? वे खा लो भाई, बता रहे हैं ठीक। एक दिन खाना है, दूसरे दिन जाते नहीं, कड़वा जाते हैं। अच्छा, कड़वा है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं तो ले लाऊंगा जी, मैं तो खेत में जाता हूँ डेली, जाते पहले उसे करता हूँ कड़वे को। हाँ जी, तो बुराई तो कुछ है नहीं भाई, अगर जान बच रही है। हाँ जी, कड़वा ही क्या? हाँ जी, कुछ लोग तो करने लगा वो पी जा। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर गौर करना। घर में ज़रूर शुगर के मरीज अगर हम नहीं हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ना कोई तो होता ही है।
और वो बात है लोट वोट वाली कि जहाँ चोट लगने का डरो डरो, पहले बर्नोल लगा लो। हाँ जी, अगर अच्छा पीछे भी अगर आदमी खा लेगा हाँ जी तो बुराई क्या है? कुछ नहीं, अगर आपके नहीं है तो उसे खा लो, उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं, नुकसान नहीं। सदा बाहर का बेटा स्टोर, सदा बाहर ही। एक दो बीमारी के लिए और कुछ आपके याद हो, एक आधी बीमारी का और बता दो। लग लग रहा भाई हमने तो इसी का तजर्बा करा जी, और अपना पसीना काट दो सुबह को, आदमी सूरज उठने उगने से पहले, सूरज जब निकलता है उससे पहले उठना चाहिए। अच्छा, आपका कोरोना हो गया था आप बता रहे थे, कैसे कोरोना हो गया, कैसे ठीक हुई है? मैं तो जी अस्पताल ले गए थे। नहीं, अच्छा अस्पताल को भी सुन लो जी, अस्पताल में जो भी गया, ज्यादा कड़ी ना बता दे फिर तुम नुकाओगे, हटाओ। अस्पताल में जो भी गया मैंने तो उसका भैया यही सुना कि भाई हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, मेरी नज़रों में, काफ़ी आदमी को जानता हूँ, मेरी नज़रों में कोई भी आदमी अस्पताल से ठीक होकर नहीं आया, मेरी नज़रों में तो आया। अच्छा अच्छा, और आप? मैं तो जी घर में करा मैंने तो दवाई, 16-17 हज़ार रुपये की दवाई खाई जी मैंने। क्या लक्षण दिखे दिखाई दिए थे आपको? लक्षण मेरा स्वाद बिगड़ गया था जी, और सूंघ आनी बंद हो गई थी, और जी शरीर बुखार शुरू हो गया था जी, और तो कमजोरी आनी शुरू हो गई। तो आप तो पिया करते थे, बताओ पीने वाले के वो 15 दिन छोड़ने का ही चक्कर था, घर वालों ने छोड़ दी थी, घर वालों ने लकड़ी कर रखी थी। अच्छा, तो छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, सारा बर्बाद कर दिया तुमने, ये कर दिया वो कर दिया, फिर तुमने क्या करा? 16 हज़ार रुपये खर्च हुए, मगर हाजमा हो गया जी, हाजमा ना हो तो मौका कर लो काम को। अच्छा, 16 हज़ार की दवाई खाई। हाँ 16 हज़ार की दवाई, फिर आपने फिर पीनी शुरू की? फिर मैंने 15 दिन बाद जब मैं ठीक सा हो गया, दीवार पकड़ के चलता था जी मैं, इतनी कमजोरी आ गई मुझे। अच्छा जी, दीवार पकड़ के कुछ नहीं करा जी को, कम खेती वेती बिल्कुल चौपट। फिर भैया मैंने सहज सहज ताकत के बादाम बादाम खाए, मुनक्खा ली, चाबता रहा उन्हें, दवाई चलती रही, और जी उसमें ठीक होते ही वैक्सीन लगवा दी मैंने। ठीक, और फिर 1 महीने बाद फिर दूसरी का आया, मैंने दूसरी भी लगवा दी। ठीक, ये कहते थे कि भाई वैक्सीन लगवा रखी थोड़ा सा आज मत लिए, मैंने तो उसी दिन ले ली थी। अच्छा, जिस दिन वैक्सीन लगी? हाँ जी, छक्का पी एक क्वार्टर लेते हैं। एक क्वार्टर? हाँ, तो आप कितनी करते हो डेली? एक क्वार्टर लेता हूँ, मतलब लोट पिटी हो जाओ? ना जी, ना ना लोट पिटी, फिर अगले दिन काम में होगा। देसी ये ज़्यादा पीने से ना, ये कुछ नहीं पता जी, देसी के पैसे जेब में है तो देसी ले लो, इंग्लिश क्या करेंगे ले लो, मतलब एक पप्पा कर लेते हो? एक पप्पा। अच्छा अच्छा, तो भाइयों के लिए क्या कहना चाहोगे, जान बचावें या ना? भाई मैं तो पहले तो है तो ये बहुत बुरी चीज़, लेकिन जब सरकार ने विद्यालय बंद है जी, हाँ सब कुछ बंद, ठेके खुल रहे, ठेके खुल रहे, तो सरकारी तो करे, तुम पियो। आज हमारे यहाँ, आज हमारे यहाँ लॉकडाउन है, लेकिन मैंने देखा दुराले में शराब की दुकान पे युवा खरीद रहे थे। भाई साहब दुराले में नहीं, सब जगह, सब जगह शराब पे लैन लग रही जी। अच्छा अच्छा, इसीलिए बच रहे लोग, कोरोना भाग जा रही उससे। और जो ना पीने वाले भी कैसे बचेंगे? बस वो तो भैया भी बच रहे, भाई बादाम खा रहे, मुनक्खा ले रहे, और सामान ले रहे जी। संजीव भाई, राजीव भाई, बात ठीक लगी नहीं? दम है बात में जी, है जी बात में दम है आपका। जिसका ब्योत बादाम का, ये तो आप कहोगे कि बादाम और वो शराब से तो कम है, लेकिन जो मजा शराब में है ना, पाँच चार घंटे तो ठीक रह रहे हैं जी। और सब कुछ जो दिन की काम धंधा है सब भूल जा, सब भूल जा, सब भूल जा, टेंशन ही खत्म हो जा। 5-7 घंटे तड़के उठ के फिर रेलवे चलते हो अपने, पीने वाला का ना तो जल्दी हार्ट अटैक होता। हाँ जी बिल्कुल, है ना, ना बीमारी ना शुगर, क्योंकि वो तो मस्ती में आ जा, मस्ती में 5-7 घंटे मस्ती है, मखड़ा हाथी झूम जा ना। हाँ जी, वो हाल हो जा, थोड़ी गैस दोस्तों पे काट दो, थोड़ी उस पर काट दो, जाकर रोटी खा कर सो जाओ, बस यही काम है। तो भाई अगर पीनी भी है तो थोड़ी पीवे, थोड़ी ज्यादा ना पीवे, देखो ज्यादा पियोगे तो काम नहीं होने, समाज को बुरा लगे, बुरा लगे। अगर वो पी भी रहे हैं मेरे भाई को, तो थोड़ी सी थोड़ी और मात्रा कम कर लो, कम कर लो, एक आधा पैक ले लो। हाँ ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, अब ये फौज में है जी, फौजी भी तो को मिलती है, एक दो पैक ले, एक दो पैक ले लें, उससे शरीर में वो भी गांव वाले छक्के पीवे गलत करते हैं, वो गलत है, वो तो अपना शरीर का नाश कर रहे हैं। एक पौवे को 3 दिन लो पीवे कम से कम, एक पौवा तो बज में तो एक पौवा एकदम पी रहा है। अच्छा तो पी लो। हाँ 1 घंटे में पी जाऊँ जी, ढाल ढाल। हाँ आराम से, एक पौवा मैं 4 पैक बनाता हूँ। चलो भाइयों, आपने इनकी हमारे सुखविंदर सिंह की लिमिट सुन ली, और इनका अनुभव भी आपको अच्छे लगे होंगे। नमस्कार। चलो बेटे, एक बात बताओ, कैसे लगे तुम्हारे बाबा जी लगते हैं? ताऊ जी अच्छी लगी बात? पता नहीं अच्छी लगी बात इनको। भाई से पूछो, भाई बस ठीक बता रहे हैं, अपना अनुभव सही बता रहे हैं। एक मुझे सबसे बढ़िया है सदाबहार का लगा, सदाबहार का लगा सबसे बढ़िया। हाँ देखो, वो तो मैं भी करूँगा, पैदा पिता पत्ता तो होनी, पर सदाबहार के पत्ते चाप लेंगे, क्या दिक्कत है? देखो एक बात और सुनो जी, मैं एक बात और बता रहा हूँ जी, सब आदमी मरने हैं,
मरने दो, जिसको जीवन दिया भगवान वो सब मरेगा। अब कितनी दवाई खा लो बचना कोई नहीं। ऊपर वाला ये भी पूछेगा जाके कि भाई तुझे जब धरती पे इंसान बना के सब कुछ ठीक ठाक करके आया, तुम क्या हो गए? नहीं, जैसे आपने कहा मैं बिकता नहीं, तो आपका और हाल होगा जी ऊपर। अच्छा जी, हाँ जी, ना पीने वाले का पक्की बात है। वो कौन करेगा जो वहाँ पीने वाले? ऊपर वाले। अच्छा, जो ऊपर कहने भाई जब तुझे पीने के लिए भेजा था कुछ इंसान के लिए था भाई, जिनावर तो नहीं पी रहे थे, इंसान ही तो पीता है। जो आपकी चौकड़ी वहाँ जाली पे हमारी दही तोड़ेंगे, यह नहीं मानते? मतलब भलों का वहाँ भी जमाना नहीं रहा, भलों का तो यहाँ भी नहीं। मतलब जितना भी सच बोल दो आपको पागल बताने शुरू कर देंगे। हाँ सही बात, सच्चा आदमी पागल है। जितना भी झूठ बोलोगे और जितना भी छल कपट करोगे उतना ही सरपंच। बहुत बढ़िया बात है। तो भाइयों नमस्कार, आज की वीडियो बहुत अच्छी है, हंसी मजाक भी हुई और बात कुछ सच्ची भी सामने आई। नमस्कार, चलो अब ठीक हो, 10 मिनट के 11 मिनट 2 सेकंड और।